Hey guys, welcome back once again. दोस्तों आज की कहानी एक रियल लाइफ स्टोरी पर बेस है जो कि वर्ल्ड वॉर टू के समय की है और उसी पर लिखी हुई एक बुक द ग्रेट एस्केप पर यह मूवी बनाई गई है। कहानी शुरू होती है, ये वो समय है जब जर्मनी पर हिटलर का राज था और लगभग बाकी सारी कंट्रीज जर्मनी के खिलाफ लड़ रही थी और उसी में अमेरिका और ब्रिटिश भी जर्मनी के खिलाफ थे। अब इन लोगों के बीच में जो भी वॉर होती थी उसमें से कई सारे इंग्लिश सोल्जर जर्मनी के कैद में आ जाते थे जो हर समय पर जेल से भागने की कोशिश करते रहते थे। इसलिए जर्मन ऑफिसर ने तंग आकर एक ऐसा जेल बनाया जिसमें वो हमेशा कैद रह सके। अब सभी ऑफिसर को वहां लाया जाता है और मैं बता दूं कि ये सभी ऑफिसर हायर रैंक के होते हैं, इसलिए ये लोग वॉर फील्ड में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं। जिसके बाद इन सभी ऑफिसर का लीडर रामसेस को इस जेल का इंचार्ज कर्नल ल्यूजर मिलने बुलाता है, जो रामसेस से कहता है कि तुम अपने ऑफिसर को यहाँ से ना भागने की सलाह दो। और इसके जवाब में रामसेस कहता है कि हम ऑफिसर हैं और दुश्मन कंट्रीज के अंदर नहीं रह सकते, इसलिए यहाँ से भागना तो हमेशा हमारा मकसद ही रहेगा। अब ये बात सुनकर कर्नल खुश नहीं होता और कहता है कि यहाँ कई ऐसे ऑफिसर आए हैं जो 17 बार तक भागने की कोशिश कर चुके हैं, इसलिए सभी ऐसे ऑफिसर को एक जगह जेल में डाल दिया गया है जहाँ सभी सारी फैकल्टी दी गई है, अच्छा खाने से लेकर स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी, गार्डनिंग, सब कुछ। इसलिए मैं चाहूंगा कि अब ऑफिसर यहाँ से ना भागे। अब हम सभी ऑफिसर को देखते हैं जो अपने अपने तरीके लगाकर यहाँ से भागने का तरीका ढूंढने लगते हैं। पहले हम एक ऑफिसर को देखते हैं जो 2 लोगों में लड़ाई कराकर सबको डिस्ट्रैक्ट कर देता है और रशियन कैदियों के बीच में जाकर छुप जाता है ताकि जब रशियन कैदी बाहर पेड़ काटने जाएं तो वो उनके साथ बाहर चला जाए। वहीं कुछ ऑफिसर भूसे की गाड़ी में छुप जाते हैं ताकि वो उसके सहारे बाहर चले जाए। लेकिन यहाँ पर एक बहुत खतरनाक रूल होता है। रूल ये था कि अगर कोई जेल के बॉर्डर यानी कि फेंस को पार करने की कोशिश करेगा या उसके आसपास आएगा तो उसे वहीं गोली मार दी जाएगी। अब सभी ऑफिसर एक एक करके वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और ये उनके लिए थोड़ा आसान भी था क्योंकि इन ऑफिसर को जर्मन और रशियन दोनों आती थी। लेकिन एक एक करके सभी ऑफिसर को जर्मन पकड़ लेते हैं और उन्हें वापस से अंदर भेज दिया जाता है। इन्हीं में से एक ऑफिसर जिसका नाम हिल्ट था वो फेंस के आसपास एक ब्लाइंड स्पॉट ढूंढने की कोशिश करता है जहाँ टावर पर खड़े ऑफिसर उसे देख ना पाए। हिल्ट अपने साथ हमेशा एक बॉल और ग्लव्स रखता था जिसे खेलते हुए वो उस ब्लाइंड स्पॉट के उधर आ जाता है। लेकिन तभी उसे जर्मन देख लेते हैं और उसे रूल तोड़ने के लिए 20 दिन के लिए सबसे अलग जेल में सजा के तौर पर डाल दिया जाता है। और इसी में ईव्स नाम का दूसरा ऑफिसर को भी सजा दी जाती है। दोनों एक दूसरे के साइड वाले सेल में होते हैं जहाँ दोनों की काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। अब कुछ देर बाद जेल में रॉजर नाम का एक कैदी को लाया जाता है जो कि एक इंग्लिश पायलट ऑफिसर था और उसे वार्निंग दी गई थी कि अगर उसने अगली बार भागने की कोशिश करी तो उसे सीधा मार दिया जाएगा। रॉजर यहाँ पे काफी रिप्यूटेड ऑफिसर होता है जिसे कई जर्मन और इंग्लिश ऑफिसर पहले से जानते थे। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी मेजर ऑफिसर मीटिंग करते हैं और इन्हें रॉजर लीड कर रहा था। रॉजर प्लान बनाता है कि वो लोग 3 टनल बनाएंगे और यहाँ से उन टनल के जरिए भागेंगे। यहाँ पर टनल खोदने का काम डैनी को दिया जाता है, साथ में ग्रिफ नाम का ऑफिसर को जर्मन जैसे कपड़े बनाने का काम दिया जाता है ताकि भागने के बाद वो लोग जर्मन के बीच बिना पहचान में आए रह सके। और ऐसे ही दूसरे काम बाकी ऑफिसर को दे दिए जाते हैं जिसके बाद इनका प्लान स्टार्ट होता है। अब नेक्स्ट डे से सभी ऑफिसर टनल बनाने के लिए लगने वाले सामानों को कलेक्ट करने लगते हैं जिसमें कुछ तो इन्हें जर्मन की गाड़ियों से भी चुराना पड़ता है। डैनी भी टनल के स्पॉट को ढूंढने में लगा रहता है। डैनी भी टनल के स्पॉट को ढूंढ लेता है जहां एक टनल बंकर के नीचे था, दूसरा टनल बाथरूम की जगह पर और तीसरा टनल कहां था ये हमें दिखाया नहीं जाता। अब डैनी टनल को खोदना शुरू करता है और उसकी आवाज़ को छुपाने के लिए बाहर ऑफिसर भी कुछ काम करने लगते हैं जिसे टनल खोदने की आवाज़ ना आए। दूसरी तरफ हम हैंडली नाम के एक इंग्लिश पायलट ऑफिसर को देखते हैं जो कुछ ही समय पहले जर्मन की कैद में था और उसी का रूममेट है बाइल्ट जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के फेक कॉपी बनाने में एक्सपर्ट है। अब टनल का काम आगे बढ़ता है और सभी ऑफिसर एक साथ मिलकर काम करते हैं और साथ में उन्हें जर्मन से छुपा कर भी रखना है। तब तक हिल्ट और ईव्स अपने 20 दिन की सजा को पूरा करके वापस आ जाते हैं और आते ही दोनों रॉजर से मिलकर कहते हैं कि वो लोग एक ब्लाइंड स्पॉट इस बार ढूंढ लेंगे जिसमें टावर पर खड़े ऑफिसर उन्हें देख ना पाए। जिसके बाद दोनों फिर से वही काम करते हैं और इस बार उन्हें वो ब्लाइंड स्पॉट भी मिल जाता है। लेकिन इसी चक्कर में वो फिर से पकड़े जाते हैं और उन्हें फिर से 20 दिन के लिए दूसरे जेल में डाल दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम हैंडली को देखते हैं जो एक जर्मन गार्ड को अपने रूम में कॉफी पिलाने के बहाने ले जाता है और बड़ी ही चालाकी से उसके डॉक्यूमेंट और आईडी निकाल लेता है जिससे वो बाद में ब्लिथ को दे देता है और जो आगे जाकर उन सभी की फेक कॉपी बनाएगा और ये डॉक्यूमेंट इन्हें छुपने में और भागने में मदद कर सकेंगे। दूसरी तरफ ऑफिसर के एक ग्रुप में एक मशीन भी बनाती है जो उन्हें टनल के अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी। तब तक ऑफिसर के जर्मन सूट भी लगभग बन ही जाते हैं जिन्हें एक बार रॉजर देखने जाता है और सूट को देखकर वो काफी इंप्रेस भी होता है।
अगले दिन हिल्ट और ईव वापस जेल से बाहर आते हैं और इनसे कहते हैं कि वो एक रात यहाँ से भागकर बाहर जाकर एक मैप बनाए जिसमें उन्हें पता हो कि यहाँ से भागने का कौन सा सही रास्ता है, क्योंकि टनल से बाहर निकलते ही उन्हें वो रास्ता फॉलो करना होगा वरना वो फिर से पकड़े जा सकते हैं। लेकिन इससे हिल्ट इनडायरेक्टली मना कर देता है और कहता है कि अगर वो यहाँ से भाग गए तो वो वापस सिर्फ मैप देने के लिए नहीं आएंगे, और यहाँ उसकी बात में दम भी होता है। अब हम टनल को देखते हैं जो लगभग पूरा बन चुकी है, लेकिन यहाँ एक समस्या थी। टनल को खोदते समय गीली मिट्टी निकल रही थी जिसे देखकर जर्मन पता कर सकते हैं कि ये जमीन के अंदर की मिट्टी है। इसलिए कॉलिन नाम का एक ऑफिसर एक ऐसा पॉकेट बैग बनाता है जिसके जरिए सभी ऑफिसर उन गीली मिट्टी को बाहर ले जाकर सूखी मिट्टी में मिला देते हैं, और इसी तरह से ये लोग टनल के आने वाले सारी मिट्टी को जर्मन से छुपकर बाहर ले जाते हैं। यहाँ पर टनल बनाते हुए एक बार डैनी के ऊपर काफी मिट्टी भी गिर जाती है जिसे डैनी वहीं बेहोश भी हो जाता है, जिसके बाद उसे बाहर निकाला जाता है और तब टनल से गिरती हुई मिट्टी का सॉल्यूशन भी निकाला जाता है। सभी ऑफिसर अपने बेड की लकड़ियों को टनल में चारों तरफ लगा देते हैं, इवन कि इन्होंने टनल में एक छोटा सा कार्ड भी बनाया था जिसके जरिए बहुत ही तेजी से एक दूसरी तरफ जा सकते थे। अब एक रात हैंडली से मिलने वही गार्ड वापस आता है जो उसे कहता है कि उसके डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे, जिस पर हैंडली उसे कहता है कि वो उसका दोस्त है और वो उसे ढूंढने में मदद करेगा, लेकिन वो नहीं जानता कि उसी ने उसके डॉक्यूमेंट चुराए थे। और इसकी मदद वाली बात सुनकर वो खुश हो जाता है। अब जाते हुए हैंडली उसे एक कैमरे का इंतजाम करने को कहता है जिसके बाद में ब्लिथ फेक डॉक्यूमेंट बनाने में यूज करता है, जिससे कि ब्लिथ फेक डॉक्यूमेंट बनाने में यूज कर सके। अब सब मिशन लगभग पूरा होने ही वाला था और 4 जुलाई आ भी रही थी जो कि अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है, इसलिए ऑफिसर मिलकर वाइन बनाते हैं और बाकी ऑफिसर में बांटने लगते हैं। सभी ऑफिसर मिलकर इंडिपेंडेंस डे को एंजॉय करने लगते हैं, और इसी के दौरान जर्मन को थोड़ा शक भी होता है, इसलिए वो लोग इनके रूम की तलाशी करने लगते हैं जिसमें उन्हें बंकर के नीचे वाला टनल मिल जाता है। बस इनका एक टनल जर्मन के हाथ लग चुका था। अब इस बात से ईव बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, उसे लगने लगता है कि वो कभी भी यहाँ से नहीं निकल पाएगा, इसलिए वो भाग कर फेंस को पार करने की कोशिश करता है, और यहीं पर जर्मन को मौका मिल जाता है उसे गोलियां से भूनने का। वो उसे जान से मार देते हैं और ये चीज हिल्ट को अंदर से तोड़ देती है। वो बहुत ही उदास हो जाता है क्योंकि वही एक अच्छा उसका दोस्त था, और इसी के गुस्से में वो रॉजर के मिशन के हिसाब से उसी रात जेल से भागता है और अगले दिन मैप बनाकर जेल में वापस आ जाता है। इस चीज के लिए हिल्ट को फिर से 20 दिन की सजा दी जाती है। कहानी आगे बढ़ती है और हम बिल्ट को देखते हैं जिसे अब दिखना कम हो रहा था और धीरे धीरे करके वो छोटी छोटी चीजों को भी ब्लर देख पा रहा था, जिसे कुछ दिन बाद वो पूरी तरह से अंधा हो जाता है। रॉजर उसे टीम से निकालने की बात करता है, जिस पर हैंडली रॉजर को कहता है कि ब्लिथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जब तक वो उसके साथ है वो अंधा नहीं है, और इसके बाद रॉजर फिर से दोनों को मिशन में ले लेता है। अब एक समय ऐसा भी आता है जब डैनी जेल से भागने की कोशिश करता है, जिसके कारण था कि वो टनल में पूरे दिन रहकर पागल हो जा रहा था, उसे अंधेरे और छोटी जगहों से डर लगने लगा था, और इसीलिए वो सीधे ही जेल से भागने की कोशिश करता है। लेकिन एंड टाइम पर उसके दोस्त उसे समझा लेते हैं और वापस लेकर आते हैं। अब फाइनली दोस्तों वो दिन आ जाता है जब टनल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई थी, सभी ऑफिसर अब रेडी हैं। अब रात के समय सभी ऑफिसर एक ही घर में आते हैं और लगभग ये 250 ऑफिसर थे जो आज रात यहाँ से भागने वाले थे। पिक करके सभी ऑफिसर टनल के थ्रू जाने लगते हैं, जिसमें सबसे पहले हिल्ट जाता है, और आगे जाकर वो देखता है कि वो लोग का टनल जहाँ खुल रहा है वो जंगल से थोड़ी दूरी पर है, यानी कि उन्हें उस बीच जर्मन के ऑफिसर देख सकते हैं। अब वो दूरी लगभग 30 मीटर की होती है, और इसीलिए हिल्ट प्लान बनाता है कि 30 मीटर एक रस्सी मांगकर पहले खुद जंगल में जाएगा, और जब लाइट जंगल की तरफ ना रहे तब रस्सी को हिलाकर वो बाकी ऑफिसर को आने को इशारा करता है। अब एक एक करके बाकी ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को वहां से जाने लगते हैं। रॉजर, कॉलिन और बाकी सब, यहाँ डैनी का डर अभी भी उस पर हावी होता है, और बीच में अंधेरे होने की वजह से वो टनल से जाने से मना भी कर देता है, लेकिन बाद में सबके मनाने के बाद वो भी टनल से बाहर निकल जाता है। अब ऐसे ही जब हैंडली और ब्लिथ वहां से निकलते हैं तो नेक्स्ट ऑफिसर के निकलते वक्त वो ऑफिसर गिर जाता है और उसे जर्मन ऑफिसर पकड़ लेते हैं। तभी पूरे जेल में अलार्म बज जाता है और जर्मन ऑफिसर उस टनल वाले घर में आ जाते हैं। फिर होना क्या था, ये प्लान पूरी तरह से फेल हो जाता है। ये प्लान फेल हो जाता है, यहाँ पर 250 ऑफिसर को बाहर जाना था, लेकिन सिर्फ 76 ऑफिसर यहाँ पर भाग पाते हैं। नेक्स्ट डे जर्मन उन सभी 76 ऑफिसर को ढूंढने पर लग जाते हैं, और हम देखते हैं कि सभी इंग्लिश ऑफिसर दो दो के ग्रुप में अलग हो जाते हैं ताकि वो एक साथ ना पकड़े जाए।
रॉजर अपने साथी के साथ ट्रेन से ट्रैवल करने लगता है, हेनली ब्लिथ के साथ होता है और हिल्ट यहाँ पर एक रैंडम आदमी की बाइक चुरा कर उसे भागने लगता है और ऐसे ही सभी ऑफिसर इधर उधर बिखर जाते हैं। यहाँ पर रॉजर, कॉलिन, हेनली और ब्लिथ एक ही ट्रेन में होते हैं। यहाँ जर्मन उनकी आईडी और टिकट चेक करने आते हैं, जिसमें रॉजर और कॉलिन तो बच जाते हैं क्योंकि उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट अपने साथ लाए थे, लेकिन हेनली और ब्लिथ को ट्रेन से कूदना पड़ता है क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे और बिना डॉक्यूमेंट के उनका पकड़ा जाना तय था। यहाँ सभी ऑफिसर काफी समय तक जर्मन से बचते रहते हैं, लेकिन एक समय आता है जब एक एक करके सभी ऑफिसर को जर्मन पकड़ने लगते हैं। असल में दोस्तों, जर्मन ने अपनी बेस्ट मिलिट्री फोर्स इन्हें ढूंढने के लिए काम पर लगाया था, जिसमें सबसे पहले कॉलिन पकड़ा जाता है, लेकिन इसी में उसकी जान चली जाती है। रॉजर भी काफी समय तक चालाकी से जर्मन से छुपता रहता है, पर फिर उसे भी पकड़ लिया जाता है। हिल को भी जस्ट स्विट्जरलैंड के बॉर्डर के पास पकड़ लिया जाता है और दूसरी तरफ हेनली, जो पायलट होने की वजह से जर्मन का प्लेन लेकर बिल के साथ भाग रहा था, लेकिन तभी उसका प्लेन क्रैश हो जाता और यहाँ उसे भी पकड़ लिया जाता, जिसमें बिल की गोली लगने की वजह से मौत हो जाती है और हेनली को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब रॉजर के पकड़े जाने से एक जर्मन मेजर ऑफिसर बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसने पहले ही रॉजर को वार्निंग दी थी कि ये उसका लास्ट चांस है, और होता भी ऐसा ही है। अब ऐसे एक एक करके पूरे 75 ऑफिसर को पकड़ लिया जाता है, जिसमें से एक ही ऑफिसर था जो कि स्विट्जरलैंड भाग पाता है, और उसका रीजन था कि उसके भागने में वहाँ के कुछ इंग्लिश लोग मदद करते हैं। अब आगे 50 ऑफिसर को एक साथ और 25 ऑफिसर को अलग गाड़ी में जेल की तरफ ले जाया जाता है, जहाँ रॉजर जिस गाड़ी में था, यानी कि 50 ऑफिसर वाली गाड़ी, को एक अलग रास्ते पर ले जाया जाता और आराम करने के बहाने उन सभी को गोलियों से भून दिया जाता है। और इसी में कैवेंडिश भी होता है जो कि जेल का इंचार्ज था, लेकिन उसके ही अंदर ये सभी ऑफिसर भागे थे, इसलिए उसे भी इनके साथ मार दिया जाता है क्योंकि इसमें उसकी गलती थी। बचे हुए 25 ऑफिसर को कुछ नहीं किया जाता, उन्हें फिर से जेल में डाल दिया जाता, और इसमें ही डैनी और हेनली भी थे। अब जैसे ही ये खबर हायर ऑफिसर तक पहुंचती है कि 50 कैदियों को मार दिया गया, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, और इसका कारण कर्नल ल्यूगर बताता है कि सभी ऑफिसर भागने की कोशिश कर रहे थे, जो कि सबको पता था कि झूठ है। असल में ये कर्नल ल्यूगर का ही सबको मरवाने का प्लान था। अब लास्ट में हम हिल्ट को देखते हैं, जिसे दूसरे जर्मन ऑफिसर जेल लेकर आते हैं, और तभी 50 ऑफिसर की डेथ की न्यूज़ सबको सुनाई जाती है, जिसे वहाँ दुख का माहौल हो जाता है, और फिर हिल को सबसे अलग अकेले जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ हम एंड में हिल को अपने बेसबॉल के साथ खेलते हुए देखते हैं। तो इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।